हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू द चैप्टर एनीमी अप टू पेज नंबर 31। टुडे लेट्स बिगिन फ्रॉम 32। ऑल राइट, अगर किसी को कोई तकलीफ आया करे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, 27। ट्वेंटी नाइन थर्टी वन एंड दिस वन 32। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, वाइल हैना वॉज थिंकिंग दीज थाट्स। कौन से थाट्स? ये वाले थाट्स देखिए। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, एक्सपोजर की वजह से क्या हो गई थी, रफ हो गई थी। वॉज अ फाइन टेक्सचर, बड़ी अच्छी थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंड वैन ही वॉज अ चाइल्ड, यानी उसकी स्किन कैसी रही, ब्लंड रही होगी जब वो क्या था, छोटा बच्चा रहा होगा। सो वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाव, वो बिल्कुल पसंद नहीं करे उस व्यक्ति को। बेटर नाव दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा नहीं था। शी कैप्ट ऑन वॉशिंग एम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्लीन, यानी वो उसे धोती रही जब तक उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से क्लीन नहीं हो गई। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, बट हाना डेयर नॉट टू टर्न हिम ओवर, उसने हिम्मत नहीं की उसे पलटने की। वेयर वॉज सडाओ, सडाओ कहाँ थे? नाव हर एंगर वॉज एबिंग, नाव हर एंगर वॉज एबिंग, एबिंग मीन्स क्या हो रहा था, कम हो रहा था, घट रहा था, रिड्यूसिंग, ठीक है। एंड शी वॉच एंग्सस अगेन एंड शी रोज, व्याकुल हो रही थी, चिंतित हो रही थी। एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, मीन्स शी वाइप्ड हर हैंड्स विद डस्ट डर्टी टॉवल। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, हाना पुट द क्विल्ट ओवर हिम लेस्ट द मैन शुड बी चिल्ड, यानी हाना ने जो है उस आदमी को रजाई उड़ा दी ये सोच करके कि कहीं इस व्यक्ति को कहने लगे ठंड नहीं लग जाए। ऑलराइट, सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, धीमे से कहा सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, डॉक्टर सदाओ भी आने ही वाले थे जब उसने कॉल किया था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उनके हाथ भी कहाँ पर रखे हुए, दरवाजे के बिल्कुल डोर के पास ही, डोर पर ही रखे थे। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब तो वो खोल चुके थे। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट ए सर्जन इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर ए सर्जन कोट, हाना ने देखा कि वो अपने सर्जन वाले इमरजेंसी वाले बैग को ले आए हैं। एंड दैट ही वॉज वियरिंग ए सर्जन कोट, वो क्या पहने हुए थे, सर्जन वाला कोट पहने हुए थे। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, या ही सेड शॉर्टली। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, डॉक्टर सदाओ टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज टॉवल, उसने क्या किया, स्टेरलाइज टॉवल को खोला। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव, टोकोनोमा अल्कोव के फ्लोर पर उन्होंने उस स्टेरलाइज टॉवल को खोला। स्टेरलाइज टॉवल आपको पता ही है, स्टेरलाइज मीन्स इस पर क्या पड़े हुए हो, स्टेरलाइज मीन्स जम्प फ्री, ठीक है। उन्होंने उस जम्प फ्री टॉवल को क्या किया, टोकोनोमा अल्कोव के फ्लोर पर रख दिया। एंड पुट इन इंस्ट्रूमेंट्स आउट ऑफ ऑन इट, और उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। टोकोनोमा यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द पेज हियर, टोकोनोमा अनिशे क्या होता है, नीचे है, और एन अल्कोव इन अ जैपनीज होम, ठीक है, जैपनीज होम में लगाया जाने वाला एक नीचे है। फैच टॉवल्स ही सैड, डॉक्टर सदाओ ने कहा क्या लेके आओ, टॉवल लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंग्सस नाव टू द लिनेन, बट हाउ एंग्सस नाव टू द लिनेन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, यानी वो ओबीडियंटली गई, बट हाउ एंग्सस नाव, लेकिन अभी वो क्या हो रखी थी, चिंतित हो रखी थी। टू द लिनेन सेल्फ में गई एंड वहाँ से कुछ टॉवल्स लेकर के आई। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, यानी हाना ने सोचा कि कुछ पुरानी मैट होनी चाहिए, सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि जो है जो व्यक्ति के बॉडी में से जो ब्लड निकलेगा उनकी फाइन फ्लोरिंग को बेकार नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी अगर ब्लड आ जाएगा तो उनकी जो फ्लोरिंग थी ना, जो फर्श पर मैट वगैरह जो फर्श पर कवर लगा हुआ था वो ख़राब हो जाता अगर मैट नहीं होती, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं कुछ मैट लेके चलूँ। शी वेंट आउट टू द बैक वरंडा,
वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, यानी वो वरंडा में गई जहाँ पर गार्डनर ने क्या रखी हुई थी, मैट की स्ट्रिप्स रखी हुई थी, विद विच टू प्रोटेक्ट डेलीकेट श्रब्स, जिससे वो क्या करता था, डेलीकेट श्रब्स को प्रोटेक्ट करता था ऑन कोल्ड नाइट्स, एंड टुक एन हार्मफुल ऑफ दैम एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ दैम, और उनमें से एक बाजू भर मैट के पीसेस उठा के ले आई, ठीक है। बट वैन सी वेंट बैक टू द रूम, बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम सी सॉ दिस वॉच यूज लेस, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी आ चुका था और फर्श खराब हो चुका था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड एंड हैड रुइंड द मैट अंडर हिम, और जो मैट उसके नीचे बिछी हुई थी वो क्या हो चुकी थी, रुइन हो चुकी थी, यानी बेकार हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। ओ द मैट, शी क्राइड, या यस इट इज रुइंड, खराब हो गई, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प मी टू टर्निम, ही कमांडेड हर। She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. यानी देखिए हाना हर वो काम कर रही है जो उसके हस्बैंड कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड हाना हेल्प द पीओ डब्ल्यू, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment, his swift, concise movement. यानी अपने स्विफ्ट और कंसाइज मूवमेंट को चलते हुए, यानी अपना काम करते हुए उन्होंने पूछा कि आपने धोया था पे। यस सी सैड, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी बात सुन रहे हैं। बट सी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, बट आना वॉज हैबिचुअल टू हिज एब्जॉर्प्शन, यानी डॉक्टर सदाओ के तल्लीन होने से हाना जो है क्या थी, यूज टू हो रखी थी, यानी आदत आ रखी थी उसको। वैन ही वॉज एट वर्क, जब भी वो काम कर रहे होते तो पूरे तल्लीन हो रहे होते थे, ठीक है, और वो रिप्लाई नहीं करते थे। सी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट If it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. यानी एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि if it mattered, क्या इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता था, to him what was the body upon which he worked, कि वो किसकी बॉडी थी जिस पर वो काम कर रहे थे, कौन व्यक्ति था जिसको वो ट्रीट कर रहे थे, so long as it was for the work he did so excellently, यानी कोई भी हो वो जो है हर किसी के ट्रीटमेंट को एक्सीलेंटली करते थे और इस बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये कौन है, ठीक है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सैड, डॉक्टर सदाओ ने कहा था कि अगर इसे ज़रूरत हो तो आप इसे क्या दे देना, एनेस्थेटिक दे देना, ठीक है, क्लोरोफिल दे देना। एनेस्थेटिक वो होती है जो किसी भी व्यक्ति को क्या कर देती है, अनकॉन्शियस कर देती है, बेहोश कर देती है। ऑलराइट, आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, मैं कैसे दूंगी, बट नेवर हैव आई, बिकॉज शी नेवर गेव एन एस्थेटिक टू एनीबडी एल्स, उसने कभी किसी को नहीं दी थी। इट्स इजी इनफ, ही सैड इम्पेशेंटली, डॉक्टर सदाओ ने कहा था ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाव, अब वो क्या कर रहा था, डॉक्टर सदाओ ने जो पैकिंग करी थी स्टार्टिंग में, जब उन्होंने देखा कि वुंड हो रखा है, वुंड में से ब्लड आ रखा है, तो मैंने बताया था आपको कुछ एल्गी ली, सी मॉस ले लियो, सी मॉस से उस घाव को क्या कर दिया था, भर दिया था। अब उस पैकिंग को क्या कर रहे हैं, उस घाव में से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पैकिंग को बाहर निकाला, एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और तेजी से बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द सर्जन्स विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टन्ड ऑन हिज फॉरहेड, यानी अपने सिर पर बंधी हुई सर्जन वाली फ्लैश लाइट से वो अंदर घाव के अंदर देखने लगे। यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में देख सकते हैं ये हेड के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, फॉरहेड के ऊपर। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक कट इज, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये रॉक का कट है, वो कट वुंड है वो कितना गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो आई विल बी एबल टू गेट द बुलेट आउट ऑफ इट, मैं बुलेट को निकाल दूंगा। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन अब ब्लीडिंग सुपरफिशियल नहीं थी। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, यानी द पी ओ डब्ल्यू हैज ऑलरेडी लॉस्ट इज मच ब्लड, बहुत सारा ब्लड पहले ही खो चुका था। एट दिस मोमेंट आना चोक्ड, यानी समथिंग चोक्ड इन द थ्रोट ऑफ आना। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, यानी जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने देखा उसका कलर कैसा हो रखा था, फेस का सल्फर के जैसा हो रखा था। डोंट फेंट, मूर्छित मत होइए, ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी उसे लग रहा है कि आना इज अबाउट टू वॉमिट, क्योंकि आना ने इस तरह के ऑपरेशंस कभी देखे ही नहीं थे। जैसे ही ब्लीडिंग तेजी से आने लगी उसके गले में कुछ चौक सा होने लगा, यानी जैसा देखा होगा आपने कुछ व्यक्ति कमजोर हार्ट के होते हैं, जैसे ही वो ब्लड को बहते हुए देख लेते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन किसकी होने लग गई, यहाँ पर हाना की होने लग गई। जब हाना की होने लग गई तो उसने कहा डोंट फेंट, फेंट मत हो, यही सैड शार्पली,
ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट को नीचे नहीं रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक मिनट के लिए, दो चार मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, द POW विल श्योरली डाई, मर जाएगा, ठीक है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने क्या किया, अपने हाथों से मुंह को बंद किया, टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली गई, आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड, यानी गार्डन के आउटसाइड बाहर गार्डन में ही हर्ड हर रैचिंग, सदाओ हर्ड हाना वॉमिटिंग, सदाओ ने हाना को क्या करते हुए सुना, उबकाई लेते हुए सुना, ही हर रैचिंग मीन्स उबकाई लेना, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम करते रहे, ठीक है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ये उसके लिए अच्छा होगा अपना पेट खाली कर ले, ही थॉट, ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, डॉक्टर सदाओ तो इस बात को पूरी तरह से भूल ही गए थे कि ऑफ कोर्स यार हाना ने तो कभी भी अपने जीवन में ऐसे ऑपरेशंस देखे ही नहीं थे, तो अभी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी ये, बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी, हाना का डिस्ट्रेस और डॉक्टर सदाओ की हाना को अटेंड नहीं करने की inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife, यानी वो व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो आना को अटेंड करने नहीं जा सकता और आना को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ ने सदाओ को उसके प्रति क्या बना दिया, once made him impatient and irritable, अगर आपसे ये पूछा जाए कि what made Dr. सदाओ impatient and irritable towards the POW, तो आप यही आंसर लिखेंगे, यानी हर डिस्ट्रेस, यानी हाना डिस्ट्रेस एंड इज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, यानी वो अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल पाए थे, पत्नी की हालत ख़राब हो गई थी उसकी वजह से, इसीलिए उनको उस व्यक्ति पर क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, इस दुनिया में कोई भी लॉजिक नहीं, रीजन नहीं है कि ये क्यों बचे, इसे क्यों जीना चाहिए, ही थॉट अनकॉन्शसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, यानी अनकॉन्शसली द थॉट मेड डॉक्टर सदाओ रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और उन्होंने प्रोसेस को थोड़ा तेजी से करना शुरू किया, इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, अपने सपने में, ड्रीम में वो व्यक्ति क्या करने लगा, कराहने लगा, मोन करने लगा, ग्रोन करने लगा, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट मैं ये सब कुछ अपने प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक लाइन छोड़ गई, छूट दी मैंने, देखी दोबारा, इन ए ड्रीम द मैन मोन्ड, यानी वो आदमी अपने सपने में कराने लगा, बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाओ पेड नो अटेंशन एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, यानी उस पर बड़बड़ाने के सिवाय और सदाओ ने कोई भी अटेंशन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ग्रोन कराते रहो, ही मटर डॉक्टर सदाओ बड़बड़ाए, ग्रोन इफ यू लाइक, कराते रहो अगर आप चाहते तो, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा ये सब, इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, सच्चाई तो यह है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों बचा रहा हूँ, ठीक है। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, फिर से आ गई, देखिए कितनी ओबीडियंट है, कितनी आइडियल वाइफ है। वेयर इज द एनेस्थेटिक्स, ही आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, सदाओ मोशन विद हिज चिन, अपनी क्योंकि हाथों से तो काम कर रहे थे, दोनों ने अपनी थोड़ी से इशारा किया, देखो रखी है, इट इज एज वेल दैट यू हैव You came back, ठीक है चलो तुम वापस आ गए, ही सैड दिस फैलो इज बिगनिंग टू स्टार, दिस फैलो हैज स्टार्टेड टू मूव, यानी उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथों में क्या थी, बॉटल थी और कुछ कॉटन लगी हुई थी, बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, मैं कैसे करूँगी ये, सिंपली सैचरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, कॉटन को क्या कर लो, सैचरेट कर लो, और इसको कहाँ पर रखना है आपको, इसके नॉस्ट्रल्स के पास रख लो। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, यानी बिना एक मोमेंट के डिले किए हुए सदाओ ने रिप्लाई किया, द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, यानी जैसे ही वो जोर जोर से सांस लेने लगे तो एनेस्थेटिक को यानी कॉटन को थोड़ा दूर हटा लेना। ऑलराइट, शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, यानी वो यंग अमेरिकन जो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उसकी तरफ थोड़ी सी झुकी, इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस था, शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके होठ कैसे हो रखे थे, बिछे हुए थे, द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, वो आदमी को पीड़ा हो रही थी वेदर ही न्यू इट और नॉट, वॉचिंग हिम वॉचिंग द POW शी वंडर्ड इफ द स्टोरी दैट हर्ट समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू
वॉचिंग हिम यानी वॉचिंग द POW सी वंडर्ड हाना वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर रियली ट्रू, यानी क्या वो कहानियाँ जो उन्होंने सुनी थी प्रिजनर्स के बारे प्रिजनर्स की सफरिंग्स के बारे में क्या वो सही थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, वो अफवाहों की तरह आती थी, यानी वो न्यूज़ वो समाचार जो सैनिकों के टॉर्चर के बारे में आते थे या जिनके बारे में लोगों को पता चलता था आदर रीडिंग न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ने के द्वारा या किसी और सोर्स के द्वारा, तो वो सोच रहे क्या वो सही थे। और वो जो न्यूज़ आती थी ना किसकी तरह आती थी, फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स की तरह आती थी, अफवाहों की तरह आती, टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ यानी मुँह जबानी सुनाई जाती थी, एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा ऐसी न्यूज़ का क्या किया जाता था, अपोज किया जाता था। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट Wherever the Japanese army went, the people received them gladly. यानी न्यूज़पेपर में हमेशा रिपोर्ट आती थी कि जहाँ भी जापानीज आर्मी गई थी या जाती थी, people received them gladly with cries of joy at their liberation. यानी खुशी के साथ at their liberation यानी स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम के लिए। But sometimes she remembered such men as General Takima. लेकिन हाना ने रिमेंबर किया sometimes सच मैन है जनरल ताकीमा, जनरल ताकीमा इज द जनरल ऑफ जापान, जापान का जनरल है ठीक है, हु एट होम बीट इज वाइफ क्रूअली, जो अपनी पत्नी को घर पर पीटता था, दो नो वन मैंशन इट नाव, हालांकि अब इन चीज़ों को मैंशन नहीं करता, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया के है ना, उन्होंने मंचूरिया में बहुत ज़्यादा विक्टोरियस बैटल लड़ा था। इफ अ मैन लाइक दैट यानी इफ अ मैन लाइक जनरल ताकीमा कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, यानी अगर एक ऐसा व्यक्ति यानी जनरल ताकीमा जैसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह के सैनिकों के लिए क्रूअल नहीं हो सकता क्या, उदाहरण के लिए मसलन क्या ऐसा व्यक्ति सैनिकों के लिए क्रूअल नहीं हो सकता था, हो सकता है यानी उसे उसकी निशान देख करके एक्चुअली में याद आ रहा था कि इस आदमी को ज़रूर टॉर्चर किया गया होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. व्याकुलता से उम्मीद ही कर रही थी कि this young man had not been tortured, कि इस young man को torture नहीं किया गया होगा ठीक है, young torture नहीं किया गया था। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. यानी उसी moment उसने क्या देखे, deep red scars देखे उस व्यक्ति की neck के पास, just under the ear, कान के ठीक नीचे। Those scars, She murmured, lifting her eyes to Sadao, यानी अपनी आँखों को सदाओ की ओर करती हुई She indicated towards the scars, but he did not answer. Dr. Sadao didn't answer. At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously. यानी इस moment, Dr. Sadao ने अपने instrument की टिप को किसी मजबूत चीज़ से टकराते हुए फील किया, वो भी dangerously. Near the kidney के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार जा चुके थे अब, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो केवल प्योरेस्ट प्लेजर को फील कर रहा था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, देखिए डॉक्टर कैसा है, ही प्रोब्ड मीन्स ही इन्वेस्टिगेटेड एग्जामिन्ड विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स एग्जामिन कर रहा है डेलिकेटली यानी बड़ी नाजुकता से, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी यानी डॉक्टर सदाओ वॉज फेमिलियर विद द एवरी एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट से, हर एक एटम से डॉक्टर सदाओ फेमिलियर थे। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, यानी डॉक्टर सदाओ के इस नॉलेज को इस टैलेंट को उनके एक प्रोफेसर ने जो एनाटॉमी का प्रोफेसर था उसने परसीव किया था, भांप लिया था। फिर उसने क्या कोट किया देखिए, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, सर्स श्रीमान जी ह्यूमन बॉडी का इग्नोरेंस करके करना, ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना किसी भी सर्जन का सबसे बड़ा पाप होता है, कार्डिनल सिन यानी सबसे बड़ा पाप होता है ठीक है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लास ईयर आफ्टर ईयर, यानी चमकते चले जा रहे थे ईयर आफ्टर ईयर, और उनके लिए क्या होती थी, थंडर्ड होती थी यानी जोर जोर से बोल बोल करके सारी चीज़ें बताते थे। टू ऑपरेट विदाउट सच कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनी थिंग लेस देन दैट इज मर्डर, यानी अगर आपको किसी बॉडी के बारे में पता नहीं है, अगर आप किसी बॉडी के पार्ट से परिचित नहीं हैं और फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी का क्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो। ऑलराइट,
इट इज़ नॉट क्वाइट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मरमर्ड। सदाव ने मरमर करते हुए कहा कि यह किडनी के नज़दीक नहीं है। सदाव मरमर्ड, इट वॉज इज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब अपने आप को इतना तल्लीन कर लेते थे किसी भी ऑपरेशन में तो अपने पेशेंट से बड़बड़ाते रहते थे मन ही मन में, ठीक है। और वो क्या कहते थे, माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड इज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। हमेशा अपने पेशेंट को क्या बोलते थे, माई फ्रेंड बोलते थे, और वैसे ही अभी भी बोल रहे थे। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज इज एनिमी, ये भूलते हुए कि ये तो मेरा एनिमी था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसीजन, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसीजन, यानी बड़े ही सटीक चीरे के साथ, मतलब बुलेट वॉच आउट। द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शस। द मैन क्विवर्ड, कांप गया था, हिला था, थोड़ा सा ट्रेमल हुआ था, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शस। नेवर द लेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, दो ही स्पोक अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। गट्स ही मटर्ड, द मैन मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, यानी उन लोगों ने मेरी क्या निकालनी है, अंतड़ियाँ निकालनी हैं। सदाव हाना क्राइड शार्पली, हस। सदाव सैड, द मैन सैंक साइलेंस, द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस। वो आदमी फिर से जो है शांत हो गया। सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट हिटिंग द टच ऑफ इट, यानी उसके टच करने से हिट करते हुए डॉक्टर सदाव ने उसकी रिस्ट पकड़ी और नब्ज को फील किया। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, यानी हल्की सी थी नब्ज, सो फीवर, इतनी कमज़ोर थी, बट इनफ इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो उस व्यक्ति को जिंदा करना चाहते थे और होप देना चाहते तो उसके लिए वो उसकी नब्ज पर्याप्त थी। बट सडनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड आना, आना को बोला कि नहीं अब ज़्यादा एनेस्थेटिक मत देना। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इन टू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, यानी स्विफ्टली वो टर्न हुए एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, मानो को वो पॉज करना ही नहीं चाहते हों। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल वायल, उन्होंने छोटा सा एक इंजेक्शन का वायल लिया। एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, उन्होंने उससे क्या भर ली, सिरंज को भर लिया। एंड थ्रस्ट इट इन टू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसने पेशेंट की लेफ्ट आर्म इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, फिर से उन्होंने उसकी नब्ज को टटोला। द पल्स अंडर द फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड दे ग्रू देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, यानी एक दो बार नब्ज जो फड़फड़ाई फिर जो कैसी हो गई, स्ट्रांग हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड, यानी गहरी सांस लेते हुए उन्होंने हाना से कहा था कि इन सभी चीज़ों के बावजूद ये आदमी अब जिएगा, बच जाएगा। द यंग मैन वोक, यंग मैन जाग गया था, सो वीक हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, इतना कमज़ोर हो चुका था, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जैसे उसने भांप लिया था ना, जैसे उसने देख लिया था कि वो कहाँ पर था, तो वो टेरिफाइड था वो आदमी। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और तभी इसी की वजह से हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, यानी हाना ने क्षमा याचना के लिए मजबूर होना पड़ा हाना को। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, उसने खुद ने जो उसे खाना सर्व किया था क्योंकि सर्वेंट्स ने एंटर होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इट्स इनफ फॉर द डे।